हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूम हीटर रिपेयर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह मेरे पास 2 रड का रूम हीटर है। और दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से फॉल्ट है, तो देख सकते हैं इसका बैक साइड जो पीछे साइड है वो स्विच पूरा जल चुका है। दोस्तों, हीटिंग की वजह से इस तरह का फॉल्ट आता है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको आप किस प्रकार रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पे और सिंपल और आसान तरीके से, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और आप वीडियो को अंत तक देखें तभी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसको हम पहले स्क्रू ड्राइवर से इसको पहले खोलेंगे कवर को। तो देख सकते हैं इस तरह हमने स्क्रू ड्राइवर को ला चुके हैं और उसके बाद हम इसमें 2 बोल्ट से टाइट किया हुआ है दोस्तों। तो देख सकते हैं इस तरह हमने पहले बोल्ट को खोल चुके हैं, उसी प्रकार हम दूसरे बोल्ट को खोलेंगे। तो चलिए इसको भी हम खोलते हैं और उसके बाद इसको हम चेक करेंगे दोस्तों। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने इसको स्क्रू को खोल चुके हैं और इसका जाली को हम बाहर निकालेंगे। तो इस तरह इसमें जाली लगा हुआ रहता है ताकि इसमें कोई चीज़ सटे ना। तो इस तरह हम इसको खोल चुके हैं दोस्तों। तो चलिए इसका फिर हम बैक साइड को भी खोलेंगे और उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। तो बैक साइड को खोलने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बैक साइड में बोल्ट नहीं है, यहाँ पे इसका बोल्ट है। तो चलिए इस बोल्ट को हम पहले खोलते हैं। तो हम इसमें दूसरा स्क्रू ड्राइवर को डालेंगे और इसको हम यहाँ पे खोलेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह हम दूसरा स्क्रू ड्राइवर को डाल चुके हैं। इसी प्रकार हम दोनों साइड खोलेंगे दोस्तों। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड स्क्रू से टाइट किया हुआ है। तो देख सकते हैं इस तरह हम दोनों साइड को स्क्रू को खोल रहे हैं और इसके बाद चलिए इसको स्क्रू को खोलते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह हमने इसको स्क्रू को खोल चुके हैं। अब खोलने के बाद इसका हम बैक साइड को खोलेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं इस तरह हमने बैक साइड को खोला है और इसमें आप अच्छी तरह से खोलना ताकि कोई वायर टूटे ना इसके अंदर, क्योंकि हीटिंग के वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो देख सकते हैं हीटिंग के वजह से ये स्विच पूरा जल चुकी है दोस्तों, पूरी तरह से ये जल चुकी है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले साफ़ करेंगे और कौन सी चीज़ इसमें सही है और कौन ख़राब है। तो देख सकते हैं जो स्विच है वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, मतलब जल चुकी है। अब इसमें हम वायर को भी चेक करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम स्विच को बाहर निकालते हैं, खोल के वहाँ से पहले इसको हम हटाते हैं। तो चलिए पहले स्क्रू को हम खोलते हैं। तो देख सकते हैं स्विच के ऊपर वाले को नट को खोलेंगे और उसी प्रकार दोनों को हम खोलने के बाद स्विच को हम बाहर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह ये स्विच पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और उसके बाद हम इस वायर को भी साफ़ करेंगे दोस्तों। तो जलने की वजह से ये देख सकते हैं सारा वायर जो है काला पड़ चुका है और हीटिंग की वजह से इस तरह हुआ है। तो चलिए पहले इसको हम साइड करते हैं, इसको पहले हम साइड करते हैं और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है और क्या सही है। जैसे कि देख सकते हैं इस तरह स्विच जो था दोस्तों वो ख़राब हो चुका था। अब इसमें हम इस रड को भी हम चेक करेंगे कि ये रड सही है कि ख़राब है और कौन सा सही है और कौन सा ख़राब है, कैसे जानेंगे इसके भी बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले हम सीरीज लैंप से इसको चेक करते हैं। और इस तरह का सीरीज लैंप आपके पास नहीं हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और इस तरह का सीरीज लैंप बना भी सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं इस तरह हमने इसको चेक करेंगे। तो हम ऊपर वाले जब चेक करते हैं तो ये रड सही बता रहा है दोस्तों, जो सही है उसमें आपको जलेगा और जो सही नहीं। तो देख सकते हैं एक हम बॉडी में सटा रहे हैं और एक रड में, इसमें नहीं बताना चाहिए और इसमें नहीं बता रहा है, बताएगा तो आपको अर्थिंग मार सकते हैं दोस्तों। और नहीं इस प्रकार हमने ऊपर वाले वायर को चेक किए, उसी प्रकार सेम नीचे वाले को भी हम चेक करेंगे। तो इसी प्रकार दोनों को चेक करना है। देखिए इस तरह नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये भी मेरा सही है दोस्तों। तो इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हमने इस तरह दोनों को रड को चेक कर चुके हैं। अब चलिए इसका हम बैक साइड को चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसमें दोनों का अलग अलग तार निकला हुआ है, आया हुआ है और एक जगह है, और इसमें सिंगल तार है दोस्तों। इसमें दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है और इसको एक साथ दो को कर दिया है। तो चलिए पहले हम आपको चेक करके बारीकी से दिखाते हैं। पहले ऊपर वाले में चेक किए तो बता रहा है, उसी प्रकार नीचे वाले में भी हम चेक करेंगे। चलिए नीचे वाला तो इसमें भी बता रहा है। तो इसमें जो वायर है दोस्तों वो सही है जो दोनों साइड से। इसके बाद इसको हम यहाँ हल्का साफ़ करते हैं और यहाँ भी हम चेक करके देखेंगे कि इसमें यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इसमें फॉल्ट है। तो देख सकते हैं उस तरह हम सटा देंगे, यहाँ पे भी आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं
इससे पता चलता है कि दोस्तों जो मेरा रड है वो सारा चीज़ सही है। अब इसके बाद हम इसका वायर को चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर जल चुका है, तो कौन सी वायर सही है और कौन सी ख़राब है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह हम जब सटाते हैं एक वायर के साथ एक, तो नहीं बता रहा है। अब दूसरा में भी सटा रहे हैं, देखिए इसमें भी नहीं बता रहा है। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको यहाँ पे साफ़ करेंगे और हल्का इसको कटिंग करेंगे और नया वायर यहाँ पे निकालेंगे। इसमें कटिंग करके इसको, यहाँ पे जल चुका है देख सकते हैं, इस तरह ये जल चुका है। तो इस तरह हमने इसको फ्रेश कर चुके हैं दोस्तों, और इस तरह आपको चेक करके दिखा रहे हैं। देख सकते हैं दोनों में लाइन बता रहा है। तो इस प्रकार मेरा वायर भी सही है दोस्तों, इस तरह वायर भी मेरा सही हो चुका है और हम उधर भी वो सब सही कर चुके हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, तो चलिए पहले आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं कि आप इसको किस प्रकार कनेक्शन कीजिएगा। तो देख सकते हैं इसमें जो दोनों वायर एक दूसरे में अटैच था, तो हम एक दूसरे में अटैच कर देंगे। और इसमें जो लाइन लाएंगे दोस्तों, उसका एक वायर को इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो हम इसमें कोई भी वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप गर्म फेस को कनेक्ट कीजिए या तो न्यूट्रल फेस को, किसी वायर को भी आप यहाँ इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें माइनस और प्लस नहीं देखा जाएगा क्योंकि इसमें स्विच है नहीं, स्विच हम हटा चुके हैं। इसमें हम डाइट कर दे रहे हैं क्योंकि सॉकेट जल चुका है। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे कनेक्शन इसको कर चुके हैं। इसी प्रकार हम दूसरा वायर को कनेक्शन करेंगे। हम टी को इसलिए डाल देते हैं ताकि कुछ नहीं हो। तो इस प्रकार हम टी को इसके अंदर डाल देंगे, देख सकते हैं इस तरह हम टी को डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद हम जब दोनों वायर को आपस में जोड़ेंगे तो उसके बाद उसको नीचे कर दें ताकि ये इसमें सटे नहीं और बॉडी करंट ना हो। इससे बचने के लिए इस तरह हम इसको सेफ्टी के लिए इसके अंदर डाल देते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं इस तरह हम इसके अंदर डाल चुके हैं। तो इसी प्रकार इसको हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम इसको फिटिंग करेंगे, चलिए इसको पूरा फिटिंग करते हैं और उसके बाद आपको हम फिर आगे दिखाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं इस तरह हमने इसको पूरा तरह से फिटिंग कर चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार हम इसके बाद इसको आपको हम चेक करके भी दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए पहले इसको हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह मैं लाइन को लाएँ, अब इसको प्लग को इसके अंदर हम डाल देते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं जब हम प्लग को डालते हैं तो हल्का इसमें रड में आप देख सकते हैं लाल जैसा दिखने लगा है दोस्तों, और कुछ देर के बाद ये पूरा तरह से जल चुका। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं दोस्तों, रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो को। तो देख सकते हैं इस तरह ये बन चुका है दोस्तों। तो आज की इतने ही, धन्यवाद दोस्तों।